नमस्ते साथियों, आज हम बात कर रहे हैं तीन ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में चर्चा करेंगे, एक एम्स के जॉब के बारे में और एक एनजीओ में। तो एनजीओ का नाम सोसाइटी फॉर चिल्ड्रेन है और जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो आया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर वीमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में, और एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी में जॉब वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एनजीओ की वैकेंसी को देखेंगे और ये क्योंकि ये इसका लास्ट डेट बहुत पास आ रहा है तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे सोच यानी कि सोसाइटी फॉर चिल्ड्रेन इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और यहीं पे 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860 विद द रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है कटक ओडिशा के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा वेरियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है ताकि उससे बहुत सारे यूथ चिल्ड्रेन और उनके फैमिली को अच्छा एक इम्पैक्ट मिले उसके एनहांसमेंट के लिए। यहाँ पे पोजीशन है प्रोग्राम मैनेजर के लिए। प्रोग्राम का नाम है चाइल्ड सेंटर्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट और लोकेशन है भुवनेश्वर उड़ीसा। और यहाँ पे आपको रिपोर्ट जो करना होगा डायरेक्टर को करनी होगी और क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशल साइंस, सोशलॉजी और कोई भी रिलेवेंट फील्ड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 40,000 पर मंथ विल बी योर सैलरी एंड द वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.sochforchildren.org और यहाँ पे मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक टीम मैनेजमेंट, इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, डोनेशन डोनर रिलेटेड मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग, नीड असेसमेंट सर्वे एंड बेसलाइन सर्वे। इस तरह के काम में आपका 7 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो मिनिमम आपका जो यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी दिया गया है कि मिनिमम 5 ईयर ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट रोल भी हो सकता है, 3 ईयर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन चाइल्ड सेंट्रिक सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट में भी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 पर मंथ इज़ योर सैलरी। एनी पोस्ट ग्रेजुएट विद द 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नाउ यहाँ पे सम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, लाइक कि आपको मैनेज करना होगा, प्रोजेक्ट कैसे करना है, प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसका प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब प्लानिंग से लेके उसके एग्जीक्यूशन से लेके और डॉक्यूमेंटेशन तक सब कुछ आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर देखना होगा। जो भी प्रोजेक्ट का जो भी माइलस्टोन्स होता है उसको काम करना होगा। तो इस तरह के कई सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए गए हैं, लाइक आपको सर्वे करना होगा और आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होगी, प्रोजेक्ट को कैसे एक्सपेंड करना है उसके बारे में सोचना होगा, उसको इकोनॉमिकली कैसे मेंटेन करना है, इफेक्टिव एक्सपेंसेस कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, इफिशिएंसी कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, टीम वर्क स्पिरिट कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, लाइक पीपल के अंदर कैसे उसको अवेयर कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रेनिंग और इवेंट, इस तरह के सारे काम को देखना है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि कॉम्पिटेंसेज एंड स्किल रिक्वायर्ड इज़ गिवन हेयर। लाइक आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स भी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, वर्क अंडर प्रेशर भी आपको करने आना चाहिए, कैसे उसको टाइम मैनेज करके उसको काम कर पाएंगे, कीन टू डिटेल, पैशनेट अबाउट वर्क एंड इंटरपर्सनल एंड गुड बी पर्सन। तो दीज आर द अदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिक्वायर्ड, स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। साथ ही यहाँ पे एक और बात दी गई है कि आपको नॉलेज ऑफ चाइल्ड राइट आना चाहिए, लाइक जेजे एक्ट आना चाहिए, LFA आना चाहिए और यहाँ पे ग्रांट चार्ट ओडिशा का जो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, सोशल है और फ्लुएंट इन इंग्लिश, हिंदी और उड़िया लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। MS ऑफिस, पावर पॉइंट, गूगल ड्राइव और इस तरह के ईमेल को कैसे हैंडल करना है वो सब आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ यू कैन अप्लाई। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एवर पोजिशन एंड यू फील डेट यू आर एलिजिबल क्राइटेरिया, योर कॉम्पिटेंसेज मैचेज विद द एवर जॉब डिस्क्रिप्शन, देन सेंड योर लेटेस्ट रिज्यूमे टू soch.job.soch@gmail.com विद ईमेल सब्जेक्ट लाइन नेम ऑफ द पोजिशन अप्लाइड फॉर। आपको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ऑनलाइन जाके अपलोड करके डॉक्यूमेंट को या फिर स्पीड पोस्ट करके ऐसे अप्लाई नहीं करना है। बहुत इजी मेथड है, आपको मेल करना है बस अपना अपडेटेड रिज्यूमे। मेल दिया गया jobs.soch@gmail.com। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना है। सब्जेक्ट में आप अपना पोस्ट जरूर मेंशन करें। लाइक आपको लिखना है नेम ऑफ डैश फॉर, मतलब आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट है और प्रोग्राम मैनेजर के लिए है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे प्रोग्राम मैनेजर अप्लाइड फॉर प्रोग्राम मैनेजर या फिर प्रोग्राम मैनेजर पोस्ट। इस तरह से आप कुछ भी लिख के, और डेडलाइन जरूर याद रखें 25 मार्च 2022। उससे पहले ही पहले आपको अप्लाई कर देनी है। अब चलिए नेक्स्ट वैकेंसी को देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, जो कि आया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी ऑफ द TS सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ विमेन चिल्ड्रेन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है, मतलब वो उसके अंदर गवर्न होती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये नोटिफिकेशन 11 मई 2022 को आया है। और यहाँ पे अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसी ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विच आर वैकेंट अंडर TS सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेल के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है फॉर द डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस। और यहाँ पे 3 पोस्ट आया है। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का, जिसका एक वैकेंसी है। और यहाँ पर रिन्यूमरेशन है 33,250 पर मंथ। दूसरी वैकेंसी है डाटा एंट्री की 9,000 पर मंथ। और थर्ड वैकेंसी है लीगल काउंसलर की 37,000 पर मंथ। चलिए अदर रिलेटेड थिंग्स देखते हैं। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन लॉग ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रिस्क्राइब्ड अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट डिजायरिंग टू अप्लाई कैन डाउनलोड द अप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट द फील्ड अप्लीकेशन फॉर्म along with the attested photostates of copies of educational qualification, experience certificate, etc. to the district welfare officer, women and child development, Hyderabad collectorate premise, old collectorate building, Nepali station road, हैदराबाद। तो ये आपको दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन जो यहाँ पे मिल जाएगा, इस सेम नोटिफिकेशन में आपको अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिलअप करना है। साथ ही आपको सेल्फ अटेस्टेड तो नहीं लिखा है, हाँ लिखा है विथ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे फोटोकॉपी लगानी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, और उसको इस एड्रेस पे भेज देना है। अब बात करें कि यहाँ पे आपको जो एबिलिटी ऑफ जो अप्लीकेशन है ऑन वेबसाइट कब तक रहेगी। 13/5/2022 को अप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पर रहेगा। चूँकि इसका लास्ट डेट ये हो चुका है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF डाल दूंगी। और लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25 मई अप टू 5 PM है। तो आपके पास अभी टोटल लगभग 10 दिन का वक्त है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या फिर सोशलॉजी और अदर सब्जेक्ट भी है। उसमें आपको 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से अगर आपका गुड रिपोर्ट बिल्डिंग आपको आती है किसी NGO के साथ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो कि खासकर काम करती है चाइल्ड इशूज़ पे, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको एबिलिटी आना चाहिए, लाइक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, MS Word आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। एज लिमिट है 25 से 35, जो कि काउंट होगा 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सैलरी 33,250 है। तो बेसिकली ये वैकेंसी है जिसको मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप फटाफट अप्लाई कर लीजिए। आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं wdcw.tg.nic.in पे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर से चेक कर सकते हैं, वैसे मैंने बता दिया है। तो ये था अब तक का अपडेट इस वैकेंसी के बारे में। इसमें आपको एप्लीकेशन परफॉर्मा कुछ इस तरह से दिखता है। मैं टेलीग्राम चैनल पे ये PDF डाल दूंगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी आई है, जो कि एम्स में आई है। तो एम्स के वैकेंसी को देखते हैं। दोस्तों प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें कि प्लेलिस्ट चेक करने से बहुत सारी वैकेंसी आपको छूट जाती है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए क्योंकि आपको वाइड रेंज ऑफ थिंग्स पता चलता है कि क्या क्या वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी के लिए, और यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लेकिन मांगा गया है, तो चलिए देखते हैं कौन से स्पेशलाइजेशन को यहाँ पे रिक्रूट की जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी इज वन ऑफ द एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, विद द एम्स ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंस इन द क्वालिटी टेरिटरी लेवल हेल्थ केयर इन द कंट्री एंड द ट्रेनिंग सेल्फ सफिशियंसी इन द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्लान टू सेट अप ए न्यू एम्स इंस्टीट्यूशन इन अंडर एरिया ऑफ द कंट्री। द एम्स कल्याणी इन्वाइट एप्लीकेशन फॉर द इंडियन नेशन फॉर द कंट्रेक्चुअल इंगेजमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी इन एम्स कल्याणी अंडर दिस आर गिवेन। तो यहाँ पे एम्स ऑर्गेनाइजर जो है एक एपेक्स बॉडी है जो कि हेल्थ केयर पे काम करती है, यहीं पे रिक्रूटमेंट मांगी गई है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। यहाँ पे कई सारे पोस्ट आए हैं, लॉट ऑफ पोस्ट है दिया गया है, लाइक यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्क का एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, हम उसी बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि उसको ही है सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाले इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हैं कि आपका जो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी के लिए वो 24 मई 2022 रहेगा, और जो आपका प्रिस्क्राइब परफॉर्मा दिया गया है जो क्वालिफिकेशन दिए गए हैं उस पर ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल फॉलो होगा, और इस तरह से यहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाहते हैं उनको अपना जो स्कैन किया हुआ जो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको स्कैन करना है जो कि इस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, और साथ में अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल सर्टिफिकेट लगाने हैं लाइक डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विच आर द प्रूफ लाइक प्रूफ ऑफ पेड एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी का भी आपको प्रूफ लगाना है कि आपने एप्लीकेशन फ़ी पे कर लिया है। ये सब को 24 मई 2022 से पहले 5 बजे शाम से पहले भेज देना है। एक तो आपको इसको गूगल फॉर्म के लिंक यहाँ पे दिया गया है उसको भी आपको फिल अप करना है। After submitting the above, hard copy of the same should be sent to the following address through the speed post courier 6th of June 2022 up to 5 PM। यानी कि आपको एक गूगल फॉर्म भी भरना है, साथ ही जो इतना सारे डॉक्यूमेंट है सबको हार्ड कॉपी भी भेजना है। तो जो ऑनलाइन फिल करना है उसका लास्ट डेट 24 मई है, और जो स्पीड पोस्ट करना है उसका लास्ट डेट 6 जून है। तो इस तरह से यहाँ पे एड्रेस दिया गया, इस एड्रेस पे भेजना है। इन्वेलप पे आपको क्या लिखना है नहीं लिखना है उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कल्याणी NH 34 कनेक्टर बसंतपुर सगुना नदिया वेस्ट बंगाल के एड्रेस पर आपको भेज देना है। एप्लीकेशन फ़ी है सो जनरल OBC और EWS के लिए 500 है, SC ST के लिए 250 और OPH यानी कि यहाँ पे अगर डिसेबल्ड है तो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी भी परिस्थिति में जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो रिटर्न नहीं की जाएगी। एम्स कल्याणी इंटरनेट रिसोर्स अकाउंट थ्रू द निफ्ट यानी कि आपको पेमेंट इस थ्रू मोड में करनी है। इन केस ऑफ कैंडिडेट विशेज टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट he/she is required to fill the form separately and also deposit application fee separately for each post। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो पूरा एक फ्रेश आपको तरीका अपनाना होगा, अलग से अप्लाई करना होगा, आपको स्प्लिट पोस्ट भी अलग से करनी होगी। यहाँ पे NEFT का अकाउंट का डिटेल दिया गया, अकाउंट नंबर लाइक IFC और ये सब ऑल डिटेल दिया गया है कैनरा बैंक कल्याणी। और यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मांगा गया है अगर आप कहीं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल होगा, और मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सैलरी की। तो यहाँ पे जो सैलरी मांगा गया है 45,300 पर मंथ आपको मिलेगा। 45,000 की सैलरी वाली जॉब है साइकेट्रिक सोशल वर्कर की। और इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे इतना अच्छा मौका है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि सोशल वर्क से, साइकेट्रिक सोशल वर्क से जिन्होंने पढ़ाई की है। जिन्होंने नहीं भी किया है, मतलब नॉर्मल सोशल वर्क से भी पढ़ाई किया, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है साइकेट्रिक सोशल वर्क। इसको एमए इन साइकेट्रिक सोशल वर्क 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्पेशलाइजेशन सोशल साइकोलॉजी में है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पोस्ट का नाम साइकेट्रिक सोशल वर्क है। एज लिमिट 18 से 35 है। और यहाँ पे जो सैलरी है वो 45,000 पर मंथ है। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का 24 मई है। और ऑफलाइन जो आपको हार्ड कॉपी भेजना है स्पीड पोस्ट, उसका 6 जून है। तो ये सारा डिटेल एम्स कल्याणी में जो वैकेंसी आई है साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में थी। तो आज हम लोगों ने 3 वैकेंसी के बारे में चर्चा किया जो कि सोशल वर्क में आया है। एक एनजीओ जॉब था, एक एम्स जॉब था, एक गवर्नमेंट जॉब था। तो तीनों को फटाफट आप लोग अप्लाई कीजिए। आप सभी को जो भी एलिजिबल है इसको अप्लाई कीजिए।